ओके तो दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको बोलूंगी आपकी स्क्रीन पे अब जो लेफ्ट साइड पे फोटो दिख रही है वो एक नॉर्मल फोटो है जेपेग फॉर्मेट की फोटो एंड राइट साइड पे अब जो आपको फोटो दिख रही है ये एक वायरस है। शायद आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बवाल है, दोनों सेम सही तो हैं। तो एक काम करो, दोबारा से दोनों फोटोज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखो एंड ये तो छोड़ो, मैं आपको दोनों के फाइल फॉर्मेट्स भी दिखा देता हूं। देखो लेफ्ट वाले साइड का भी जेपेग फॉर्मेट है एंड राइट साइड वाली फोटो का भी जेपेग फॉर्मेट है। अब मैं बात करता हूं यहां पे थोड़ी सी वायरस की। तो वायरस का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड या फिर ऐसा पीस ऑफ फाइल जो आपके अगेंस्ट में किसी भी तरीके से वर्क कर रहा हो, भले वो डेटा चुराना हो, भले किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, भले कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आपसे ही ली गई है या फिर वो कैसा भी मालवेयर अलग अलग फॉर्म्स के होते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ये वायरस या मालवेयर या हिडन इंफॉर्मेशन का इमेज से क्या मतलब है, तो आज इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने वाले हैं जिसका नाम है स्टेगनोग्राफी। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि आप अपनी इमेजेस के अंदर ना कोई भी डेटा कंसील कर सकते हो, छुपा सकते हो एंड एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह भी कर सकते हो। ऐसा बहुत सारा ना बड़े बड़े जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी इसके लिंक पाए गए हैं कि वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इमेजेस के अंदर अपना इंफॉर्मेशन छुपा छुपा के भेजते हैं एंड नॉर्मल व्यूअर को क्या दिखेगा, एक नॉर्मल फोटो है, लेकिन जिसको इसकी नॉलेज है वही इस डेटा को रीड कर सकता है एंड इवेंचुअली ये हैकर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बल्क टारगेटिंग करते हैं इस वाले प्रोसेस से ज्यादा लोगों का डेटा चुराया जाए एंड वाइस वर्सा। ये तो छोड़ो, आज हम अपने सिस्टम पे खुद ये भी करके देखेंगे एंड काफी इजी है, मतलब आपको एक्चुअल लाइव प्रोसेस दिखाता हूं कि कैसे ये किया जाता है एंड कैसे आप पता लगा सकते हो कि किसी इमेज के अंदर क्या कुछ ऐसा मालवेयर या फिर कोई हिडन इंफॉर्मेशन है या फिर नहीं। तो दोस्तों अब आपको दिख रही होगी कि हमने अपने सिस्टम पे आ गए हैं एंड यहाँ पे राइट साइड पे अपने डेस्कटॉप के मैंने ना कुछ फाइल्स यहाँ पे मेंटेन करके रखी हुई है। दो फोटोज हैं, एक माय बे के नाम से है एंड इसको रखता हूं मैं लेफ्ट में एंड सेकंड फोटो आपको दिखाता हूं, तो ये भी मेरी एक फोटो है जिसमें थंबनेल के लिए मैंने क्लिक करी थी। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है कि मालवेयर वायरस डाल दिया एंड वायरस एक ऐसा कुछ भी सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन या कुछ भी ऐसा डेटा यहाँ पे हो सकता है, अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल हो तो वो भी काम कर जाती है, क्योंकि जैसे राइट साइड पे आपको दिखेगा एक डिस्क इन्फो नाम से एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है लेकिन ये .exe फाइल है, तो मैंने चेक करने के लिए कि .exe फाइल्स भी काम करती हैं इसलिए यहाँ पे ये ले लिया है। अब बेसिकली क्या सिस्टम है ना कि इस इमेज के अंदर ये एक नॉर्मल इमेज है लेकिन अगर जब हम इसके अंदर डिटेल डाल देंगे, इन्फॉर्मेशन डाल देंगे तो वो भी एग्जैक्टली सेम लगेगी, सिवाय इसके कि उसके अंदर कुछ ऐसी अलग से डेटा है जो बाकी किसी को दिख नहीं रहा है। इसको एग्जीक्यूट करना भी काफी आसान है एंड सबसे पहले हम यहाँ पे ना खोल लेते हैं सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट एंड इसमें आपको सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुंचना है जहां पे आपकी ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। जैसे कि मेरा डेस्कटॉप पर है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेस्कटॉप। जी मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब एक छोटे से कमांड से ना ये पूरी की पूरी गेम बदल जाएगी। कमांड है कॉपी स्पेस स्लैश बी स्पेस। अब आपको अपनी फोटो का नाम डालना है जिस फोटो के अंदर आपको डेटा छुपाना है। तो मेरी फोटो का जो नाम है यहाँ पे माय पिक के नाम से है ना, तो ये देखो माय पिक डॉट जेपीजी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माय पिक डॉट जेपीजी एंड अब ये वाला जो आपका इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर आपने सारा कोड लिखा हुआ है या जो भी सारा वायरस है, जो भी मैलवेयर है, जो भी डेटा है, इसको ना आपको डॉट रार फाइल बनाना होगा। तो एक सिंगल क्लिक से मैंने इसको डॉट रार के अंदर कन्वर्ट कर दिया एंड अब यहाँ पे कोड में प्लस एंड अब इस रार वाली फाइल का नाम लिखना होगा d1.rar मेरे केस में। स्पेस दबा के आपको लिखना है उस फाइल का नाम जो आप एज एन आउटपुट चाहते हो। जैसे कि ना मैं यहाँ पे जाता हूँ वायरस के नाम से चाहता हूँ मैं यार virus.jpeg jpeg फाइल चाह रहा हूँ मैं फोटो के फॉर्म में एंड एंटर। आपको यहाँ पे दिखा रहा है वन फाइल कॉपीड एंड दैट्स इट। आपकी फाइल देखो भाई डेस्कटॉप पे तैयार हो गई है। यहाँ पे नाम आ गया है वायरस के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मैंने फोटो यहाँ लगाई एंड अब मैं दूसरी फोटो खोलता हूँ, अब मैंने इसको यहाँ लगाई। आप बताओ मुझे क्या डिफरेंस है इस फोटो के अंदर। दोनों फोटोज एग्जैक्टली सेम है लेकिन एक के अंदर डेटा है, एक के अंदर नहीं है। अब हमारे पास ना दोनों फाइल्स एक साथ हैं तो हम यहाँ पे साइज जरूर चेक कर सकते हैं। तो वायरस वाली फाइल का अगर मैं यहाँ पे साइज चेक करता हूँ तो ये 1.45 MB आ रहा है और एंड नॉर्मल वाली फोटो का फाइल साइज चेक करता हूँ तो ये भी एग्जैक्टली 1.45 MB आ रहा है। अब कैसे डिटेक्ट किया जाए कि भाई एक के अंदर डेटा है, दूसरे के अंदर नहीं है? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा कहानी है। हमारे वाले केस में इस फाइल को अगर हम WinRAR के थ्रू चेक करें तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि भाई क्या सीन है। जैसे कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, मैंने खोला WinRAR एंड देन मैं गया वायरस वाली JPEG पे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया शो आर्काइव कंटेंट्स, क्लिक करते ही आप देख रहे हो अंदर d1.rtf की फाइल पड़ी हुई है एंड इसको
क्लिक करते ही फाइल खुल गई जी, वायरस जो भी फाइल होगी वहां पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो ये क्या सीन है, ये RTF फाइल है। अब हम सेम चीज .exe फाइल पे करके देखते हैं, क्योंकि जितने भी ज्यादातर वायरसेस होते हैं ना वो .exe फाइल होगा या .scr स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली एप्स का होगा। तो इस तरीके की फाइल्स होती हैं जो एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे अब दूसरी फोटो है मेरे पास माय बे के नाम से, एंड जो फाइल है .exe वाली वो है diskinfo32। तो सबसे पहले तो मैं इसका ना RAR बना लेता हूँ, तो ये इजी सा हो जाएगा सिस्टम। ये मैंने diskinfo32 का RAR बना लिया, एंड अब सेम चीज दोबारा से करके देखते हैं। copy /b/mybay.jpg + diskinfo32.rar एंड अब मुझे लिखना है अपने आउटपुट का नाम, विच इज bay is virus.jpeg। तो यार यहाँ पे ना एरर आ गया, क्यों? क्योंकि ये जो बे वाली फाइल है इसका फॉर्मेट दूसरा है, ये है JFIF, तो इसीलिए ये पकड़ नहीं रहा था। अब मैं दोबारा से लिख देता हूँ copy/b/bay.gfif + f1.rar/bay is virus.jpeg एंड बूम यहाँ पे लिख के आ गया वन फाइल कॉपीड। एंड हमारी जो सेकेंड फाइल है बे इज वायरस, मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखो जी एग्जैक्टली यहाँ पे फोटो खुल गया है। राइट साइड पे मैं नॉर्मल फोटो खोल लेता हूँ, ऊपर आपको दिख रहा है एक फोटो का नाम है बे इज वायरस जो नई अभी क्रिएट हुई है लेफ्ट साइड पे, एंड राइट साइड पे दिख रहा है bay.gfif जो ओरिजिनल फाइल है। अब पिक्सलेशन के अगर सेंस में देखो तो एग्जैक्टली सेम है, कोई पिक्सल लॉस नहीं हुआ, कोई यहाँ पे क्वालिटी लॉस नहीं हुआ, सिर्फ डेटा एड हो गया एक फोटो अंदर एंड एक में नहीं है। अपना दोबारा से इस वाली फोटो को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे बेस वायरस वाली फाइल पे गया मैं, शो आर्काइव्ड कंटेंट्स, एंड यहाँ पे diskinfo32.exe एंड क्लिक करते ही देखो जी ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये जो एक काफी टाइम से दिमाग में लोगों के था कि फोटोज के अंदर वायरस नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है, इस प्रोसेस को स्टेगनोग्राफी बोलते हैं एंड ये हैकर्स ज्यादातर यूज करते हैं। कहीं कहीं पे ना ऑनलाइन बैनर्स या एड पॉप्स होते हैं, वहां पे भी ये वाला मेथड यूज किया जाता है आपसे डेटा चुराने के लिए। जितने ज्यादा हैकर्स आते रहते हैं उतने ज्यादा क्रिएटिव वेज में इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। एंड इस चीज को अगर आप एंटीवायरस वगैरह से भी स्कैन करो तो अगर तो उन्होंने कोई कमांड ऐसे डाली हुई है जो आपके एंटीवायरस के डेटाबेस में है वो तो पकड़ लेगा, नहीं तो अदरवाइज वो भी नहीं कैच कर पाते हैं। इसीलिए ये मेथड काफी ज्यादा बहुत ईजी लगता है हैकर्स को अटैक करने के लिए। तो आप बताओ यार आपके हिसाब से ये क्या मेथड अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिला आपको या ऑलरेडी आपको ये पता था, क्या है आपके मन में इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड मैं अभी वियतनाम में हूँ, बेसिकली जो दूसरा चैनल है ना चंदन की खुशबू, वहां पे सारे व्लॉग्स अपलोड करने वाले हैं, एंड ये तो मैंने एक पहले रिकॉर्ड कर ली थी आप लोगों के लिए वीडियो, तो मैंने सोचा डाल दी जाए।